तो फ्रेंड्स सबको दिखाता हूँ, देखो ये मेरा लेटेस्ट ट्रांजेक्शन है 2 तारीख को। देखो इसमें भी डेबिट कार्ड्स मैंने बिल पेमेंट किया, क्रेडिट कार्ड के, और देखो कैशबैक मिल गया, ठीक है, मतलब सुपर कैश मिल गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग फटाफट लग जाओ काम पे, अभी भी वर्क कर रहे हैं अच्छी तरह। तो फ्रेंड्स स्वागत है आप लोग का एक के ऑफर्स यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स मैंने एक अपडेट किया था कब, 27 तारीख के, 26 सितंबर को। इसमें आप अगर आप क्रेडिट कार्ड बिल भरते हो, आपको 2% के हिसाब से अप टू 500 सुपर कॉइन मिलते हैं, सुपर कैश मिलता है मोबी क्विक पे। फुल के वाईसी हो तो आप 1 महीने में 1000 सुपर कॉइन जो भी सुपर कैश है रिटर्न कर सकते हो आप लोग, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने इस ट्रिक के बारे में मैंने टेलीग्राम पर पोस्ट डाल दिया था, पर मैंने खुलेआम मतलब बताया नहीं ट्रिक में कैसे करना है आपको। मैंने यहाँ बोला था जिसको जो इंटरेस्टेड है उसको मुझे मैसेज करना होगा मैं भी। और देखो इसमें और साथ में भी लिख रखा था मैंने, अगर डेबिट कार्ड HDFC जो डेबिट कार्ड में 1% कैशबैक मिल रहा है ना, वो भी अगर काम कर जाए तो उस पर 1% कैशबैक मिल जाएगा। तो हमारे कुछ मेंबर्स, ग्रुप मेंबर्स ने बोला हाँ कैशबैक डेबिट कार्ड पर आराम से यूज करके वो है ना सुपर कैश अर्न कर रहे हैं। अभी भी ये ट्रिक वर्किंग है फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता बहुत यूज़र को पता होगा, बहुत को पता भी होगा तो नहीं बताया होगा, कह नहीं सकता। तो फ्रेंड्स चलते कोई बात नहीं, मोबीक्विक एप्लीकेशन आ चुका हूँ, ठीक है। मैं अब यहाँ से आपको क्रेडिट कार्ड बिल पे कर दिखाऊंगा। देखो इसमें ना क्रेडिट कार्ड वो नहीं डेबिट कार्ड ऑप्शन नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड सेक्शन जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करूँगा, ऑलरेडी मेरा SBI क्रेडिट कार्ड यहाँ पे है, तो मैं 100 रुपये नेक्स्ट करता हूँ और अप्लाई कूपन इस पर क्लिक करके इनमें से जो फर्स्ट क्रेडिट कार्ड बिल पे कोड लगाता हूँ जो भी हो। देखो 100 रुपीज़ से मुझे 2% के हिसाब से 2 सुपर कॉइन मिलेगा, ठीक है, 2 सुपर कैश मिलेगा। और मैं पे क्लिक करता हूँ, तो मैं अगर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पे करूँगा तो मुझसे कितने रुपए लगेंगे चार्ज, 1 रुपये 50 पैसे का चार्ज, मतलब जो भी हो 1.5 से 2 रुपये के आसपास परसेंट चार्ज लग जाता है, ठीक है। और आप नीचे लिखा है ना अदर पेमेंट ऑप्शन डेबिट कार्ड एंड UPI, इस पर क्लिक करोगे ना जो भी आपका पिन 4 डिजिट या 6 डिजिट जो भी वो लगा रखा वो डाल देना। जो मैंने पिन डाल रखा था पिन डाल दिया मैंने। अब देखो ये मोबी क्विक ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर मेरे को सिर्फ UPI से पे कर सकता हूँ। UPI मेरा काम अभी नहीं करता क्योंकि मेरा ये मेरा फ़ोन नया फ़ोन है, इसमें मैंने अपना फ़ोन सिम चेंज किया तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड अदर डिवाइस इस टाइप से लिखा था। तो मैंने कोई बात नहीं बेटा तुम तो चलो हम भी दिमाग लगाते हैं, और मैंने ग्रुप में अपडेट नहीं किया। मैंने मेरे को जो बजाज का कार्ड मिला EMI कार्ड, मैंने वो भी अप्लाई किया, तो मैंने उस वजह से मुझे बजाज का दूसरा मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड किया था मैंने ट्राई करने के लिए। ये देखो मुझे बजाज EMI कार्ड मिला था ना, तो मैंने सोचा चल यार बजाज का दो दो एप्लीकेशन है, दोनों आप डाउनलोड कर लेते, देखते हैं कि इसमें क्या फीचर है। तो मुझे जब ये एप्लीकेशन डाउनलोड किया ना, तो मैं सोचा यार इसमें जरा देखूँ क्या क्या ऑफर है। तो मैं मोर पर क्लिक करता हूँ, बिल पेमेंट किसी भी जाओ, तो मैं क्रेडिट कार्ड पर जैसे क्लिक किया, इस एप्लीकेशन का आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, आप चाहो तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं क्रेडिट कार्ड बिल पे करता हूँ, ठीक है, सेम वही है सब कुछ सेम, यहाँ पे भी है वही 100 रुपीज़ का पे करूँगा मैं आपको। और देखो और अप्लाई एक कोड पे आपको यहाँ पे आपका कोड दूसरा मिलेगा अर्न क्रेडिट कार्ड, वो क्रेडिट कार्ड है तो इसमें भी सुपर कैश ही, ठीक है, इस पर क्लिक करूँगा। देखो यहाँ पे 2% सुपर कैश मुझे मिल रहा है, और टर्म्स एंड कंडीशन में यहाँ पे इस वाले वेबसाइट पे मतलब ऐप में 1% लिखा हुआ है। पे पे क्लिक करूँगा तो यहाँ भी वॉलेट सबको चार्ज लेगा, और यहाँ पे देखो अदर और डेबिट कार्ड यू पे जो भी पेमेंट इस पर क्लिक करूँगा, जो भी आपका 6 डिजिट या 4 डिजिट जो पिन हो आप डाल देना। तो देखो फ्रेंड्स कमाल, अब यहाँ पे इस वाले एप्लीकेशन मुझे फ़ायदा ये लगेगा, इसमें आप डेबिट कार्ड से पे कर सकते हो और अदर ऐप से अदर पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक जो भी एप्लीकेशन आपका फ़ोन में होगा खुल जाएगा, ठीक है, आप यहाँ से पे कर सकते हो, कोई अलग से नहीं है। और मुझे अब इसके कुछ के भरोसे बैठा नहीं हो, मैं कोई के भरोसे कि हाँ मेरा UPI लिंक हो तभी मैं क्रेडिट कार्ड बिल पे करूँ, नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके डेबिट कार्ड से आपको पे करके दिखाऊंगा आपके सामने, ठीक है। इससे पहले मैं आपको ओरिजिनल मोबीक्विक में जाकर दिखाता हूँ बैग आके कि मेरे हिस्ट्री में कुछ दिख रहा है क्या पैसे वगैरह, हिस्ट्री में दिखाता हूँ। देखो मैंने लास्ट 27 तारीख को मैंने 15 रुपये का रिटर्न किया था, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप चाहो तो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं। अभी 27 तारीख लास्ट डेट है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ अभी इंस्टेंट 12:37 हो रहा है ना ट्रांजेक्शन करके, उसमें ना डेबिट कार्ड का पे करके दिखाऊंगा मैं आपको। यहाँ पे न्यू डेबिट कार्ड क्लिक के यहाँ डिटेल्स डाल के फिर आपको दिखा दो पे करके। तो फ्रेंड्स मैंने कार्ड डिटेल्स डाल दिया, अब करता हूँ पे नाउ पे क्लिक, अब देखते हैं आप लोग सामने, मैंने कोड भी अप्लाई कराई था, अब देखते हैं हमें कैशबैक मिलता नहीं मिलता, आप लोग सामने लाइव ही दिखा दूंगा मैं। कई बार कैशबैक थोड़ा सा टाइम लगता है आने में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम वेट कर लेंगे। 29:06:03 सबमिट करते क्लिक क्लिक क्लिक। फ्रेंड्स अगर आप लोग अच्छा ये क्या मजाक क्या भाई नहीं हो रहा, कोई बात नहीं फ्रेंड्स दोबारा ट्राई करते हैं,
अभी नहीं पे हुआ दोबारा पे करेंगे हम। ठीक है फ्रेंड्स, आप अगर आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं तो आपको यही बोलता हूँ कि अगर अच्छा लगे तो इस वगैरह जिससे आपको कुछ प्रॉफिट हो, बेनिफिट हो। फालतू मतलब सबसे मत कर लेना कि आपने सब्सक्राइब कर लिया और वीडियो देखो ही नहीं, आपको पसंद ही नहीं, तो क्या फ़ायदा सब्सक्राइब कर गया ना। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना वरना मत करना। तो फ्रेंड्स, जो मैंने 100 रुपीज़ का बिल पे कर रहा था ना, तो मेरे पता नहीं HDFC कार्ड से पेमेंट करते ही डिक्लाइन हो रहा था, पेमेंट नहीं हो रहा था, तो मैंने दोबारा एक्सिस बैंक कार्ड से अप्लाई करके देख रहा हूँ। 41 42 13 41 42 13। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने एक्सेस का डेबिट कार्ड डिटेल्स डाल के पे कर रहा हूँ 500 रुपये। अब देखते हैं क्या होता है। और आपका फ्रेंड्स एक कार्ड काम नहीं किया तो कोई बात नहीं, दूसरा कार्ड से ट्राई करना, तीसरा कार्ड से, मल्टीपल देखो मल्टीपल कार्ड से ट्राई करो तो आपका काम बन जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो तो फ्रेंड्स, पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है और 24 आवर्स में दिखा रहा है, अपडेट हो जाएगा। चलो मैसेज आ चुका है, मैसेज भी आपको दिखाता हूँ मैं। तो देखो फ्रेंड्स, अभी 12:42 पर मैसेज आ चुका है SBI की तरफ से। देखो मैसेज 500 रुपये रिसीव हो गए। ठीक है, और अब फ्रेंड्स थोड़ी देर में देखते हैं हमें सुपर कैश अपडेट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, दिखा रहे हैं इसमें 48 आवर्स अपडेट होगा, पर हम थोड़ी देर में चेक करते हैं अभी। चलो फ्रेंड्स चलते हैं, देखते हैं हमें कैशबैक वो सुपर कैश मिला या नहीं मिला। तो देखो फ्रेंड्स कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ ये रहा 500 ट्रांजेक्शन किया था रात को, और देखो 10 सुपर कैसे आ गया था, किस टाइम आया बताने में, अभी चेक कर रहा हूँ तो मुझे देखा तो हो गया। ठीक है, इससे पहले ऑलरेडी मैंने एक टेलीग्राम पे अपडेट डाल दिया हूँ कि आप अभी कैड कार्ड से एड मनी मूव की 5,000 रुपये करके उसके बाद आप कहाँ पे कॉइन DXS ऐप था ना, उसमें जाकर एड मनी करो, वहाँ से ट्रांसफ़र करो बैंक में 0% चार्ज पे। ठीक है, तो फटाफट लूट लग जाओ लूटने में।